रूस और यूक्रेन के बीच 7 महीने से ज्यादा लंबे वक्त से भीषण जंग जारी है। रूसी हमले में यूक्रेन थर्रा रहा है। पुतिन की पलटन ने यूक्रेन के कई शहरों को खंडहर बना दिया है, तो सैन्य ठिकानों को ताबड़तोड़ बमबारी से तबाह कर दिया। इतने लंबे वक्त से जारी इस युद्ध में रूसी सेना को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की परमाणु युद्ध की धमकी के बाद न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में सवाल है कि क्या पुतिन यूक्रेन में नरसंहार का प्लान बना चुके हैं? क्या पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव को फतह करने के लिए एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी की है? यूक्रेन में अंधाधुंध बमबारी, आसमान से बरसती मिसाइलों के पीछे पुतिन के उस बेरहम जनरल की रणनीति है जिसने सीरियाई शहर को खंडहर बना दिया था, जिसने सैकड़ों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। और रूस के उस नए खूंखार जनरल का नाम है सर्गेई सुरोविकिन, जिसे इंसान की शक्ल में जल्लाद कहा जाता है। कहा जाता है कि यूक्रेन के पलटवार के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने नए जनरल को युद्ध की कमान सौंप दी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 8 सितंबर को यूक्रेन में रूसी सेना के ओवरऑल कमांडर के तौर पर 55 साल के जनरल सर्गेई सुरोविकिन की नियुक्ति का ऐलान किया। सुरोविकिन इससे पहले रूसी एयरफोर्स की कमान संभाल रहे थे। सुरोविकिन अपने पहले बड़े मिशन के तहत 80 के दशक में हुए सोवियत अफगान युद्ध में शामिल हुए थे। इसके बाद सुरोविकिन ने कई बड़े ऑपरेशनों को अंजाम दिया था, लेकिन सबसे बड़ा ऑपरेशन सीरिया में अंजाम दिया गया जब साल 2017 में सुरोविकिन को सीरिया के तानाशाह बशार अल असद की मदद के लिए रूसी सैन्य ऑपरेशन के कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया था। सीरिया में उनके नेतृत्व में रूसी सेना ने असद के विद्रोहियों को घुटनों पर ला दिया। तब सुरोविकिन का सबसे क्रूर चेहरा पूरी दुनिया ने देखा था। सीरिया के अलेपो शहर में इतनी भीषण बमबारी की गई कि लगभग पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। सर्गेई सबसे ज्यादा कुख्यात सीरिया में चलाए गए अपने इस ऑपरेशन की वजह से ही हुए। उन्हें दिसंबर 2017 में हीरो ऑफ द रशियन फेडरेन अवार्ड से भी नवाजा गया। और अब रूस यूक्रेन वॉर में पुतिन ने अपने नए जनरल की नियुक्ति ऐसे समय में की है जब पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन की आर्मी ने रूसी सेना पर पलटवार तेज कर दिया है। यूक्रेन ने खार्की प्रोविंस में रूस के कब्जे से 6000 किलोमीटर से ज्यादा का इलाका आजाद करा लिया है। साथ ही यूक्रेन ने साउथ में खेरसोन के भी कुछ इलाकों और पूर्वी यूक्रेन में लाइमैन ट्रांसपोर्ट हब पर भी दोबारा कब्जा जमा लिया है।